दोस्तों यदि आपके मोबाइल में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने जा रहे हो, वो एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड नहीं हो रहा है, बार बार पेंडिंग में चला जा रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज दोस्तों मैं आपको इसका 101% जेन्युइन सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आपको इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का फोन हो, सभी कंपनी में दोस्तों यही ट्रिक काम करेगी। इसी ट्रिक से आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी पेंडिंग में नहीं जाएगा। तो कौन सा सॉल्यूशन है, कैसे आपको करना है, सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहना है। तो आइए दोस्तों मैं आपको उस ट्रिक के बारे में बताता हूँ जिससे आप प्ले स्टोर से इंस्टेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी दोस्तों आपको ये दोबारा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि एप्लीकेशन पेंडिंग में दोबारा कभी नहीं जाएगा। आपको बता दूं, आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन क्यों ना हो, सभी कंपनी के फ़ोन पर यह ट्रिक काम करेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है सेटिंग, ठीक है, तो आपको सेटिंग के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है जनरल, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आना है एकदम स्लाइड करके। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर का जो क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री है उसको क्लियर करना है। सही सुना गाइस आपने, यानी कि जो भी आपने आज तक सर्च किया है उसे कभी भी आपने क्लियर नहीं किया होगा। तो सबसे पहले आपको इसे यहाँ से कर देना है पूरा का पूरा क्लियर, यानी कि पूरा जो हिस्ट्री है उसे क्लियर कर देना है। ये सबसे पहले करना है, ये जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आसानी से डाउनलोड हो, कोई भी दिक्कत ना आए, पेंडिंग में ना जाए, तो ऐसे में ये ट्रिक आपको यहां से अप्लाई करना है। उसके बाद आपको इसे कर देना है बैक। अब जैसे ही दोस्तों आप बैक करेंगे तो वापस से आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको सेटिंग के अंदर चले जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है नेटवर्क प्रेफरेंसेस, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस दिया गया है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये दोस्तों अगर आस्क मी एवरी टाइम पे होगा तो इसे दोस्तों हटा कर आपको पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए ओवर एनी नेटवर्क, इसके ऊपर करके आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये प्ले स्टोर के अंदर दोस्तों आपको दूसरी सेटिंग करना है। ध्यान से जो मैं बता रहा हूं सेम चीज आपको अप्लाई करना है, तभी दोस्तों आपके फोन के अंदर यानी कि प्ले स्टोर के अंदर इंस्टेंट एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर के अंदर तीसरी सेटिंग भी करना है। वो क्या है मैं बताता हूं। यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको प्ले स्टोर का अबाउट सेक्शन देखने को मिल जाता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको नीचे आना है एंड यहां पर प्ले स्टोर का वर्जन दिखाई देता है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर अपडेट प्ले स्टोर दिया गया है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपने जो प्ले स्टोर होता है ना उसे आपको अपडेट कर लेना है। मेरा तो यहां पर अप टू डेट है, अगर आपका भी अप टू डेट है तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपडेट नहीं होगा तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में दोस्तों अपडेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 10 से 15 मिनट में ये अपडेट हो जाएगा, पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। अब इतना चीज दोस्तों आपको प्ले स्टोर के अंदर करना है। उसके बाद दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी कि एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, तब तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है यानी कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपको एडवांस सेटिंग करना है। अब एडवांस सेटिंग क्या है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ से बैक करना है और आपको अपने फोन का जो सेटिंग होता है उसे ओपन कर लेना है। अब सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको एप्स करके सेटिंग मिलेगा या फिर आपके फोन में ऐप मैनेजर होगा, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैनेज ऐप के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके फोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो सब यहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है प्ले स्टोर को, तो यहाँ पर ऊपर ही हम टाइप कर लेते हैं प्ले स्टोर, ठीक है, आप भी ऐसे ही टाइप कर लेना, ईजी पड़ जाएगा। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है एंड गूगल प्ले स्टोर आ चुका है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्टोरेज दिया गया है जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मतलब कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती है, जो भी आपका यूजर डाटा वगैरह होता है, तो यहाँ पर दोस्तों नीचे दिया गया है क्लियर डाटा, तो पूरा का पूरा जो इसका डाटा है ना वो आपको यहाँ से क्लियर कर देना है। क्लियर ऑल डाटा, सिर्फ कैश क्लियर नहीं करना है, पूरा का पूरा जो डाटा है उसे यहाँ से
से क्लियर कर देना है। समझ गए गाइस? तो ये चीज दोस्तों आपको एडवांस सेटिंग के अंदर करना है, ये बहुत जरूरी है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज करनी है, वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है गूगल प्ले सर्विस। यहाँ पर आप देख लीजिए, हम सर्च कर लेते हैं गूगल, उसके बाद आपको लिखना है प्ले, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों गूगल प्ले सर्विस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो सेम चीज आपको स्टोरेज के अंदर जाना है, उसके बाद इसका भी जो डाटा होता है ना, इसे पूरा का पूरा क्लियर कर देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब ये पूरा डाटा जैसे ही आप क्लियर करेंगे, आपको पूरा का पूरा सब कुछ बैक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने फोन का जो प्ले स्टोर होता है इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि आपने इसका पूरा जो है डाटा क्लियर किया है। अब दोस्तों इसे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम या फिर जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने की सोच रहे थे, ठीक है, उस एप्लीकेशन को अब यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। आपके सामने मैं यहाँ पर डाउनलोड पे लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट करना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको देख लीजिए कितना फास्ट डाउनलोड हो रहा है, देख रहे हो गाइस? तो इसी प्रकार दोस्तों कुछ ही सेकंड के अंदर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पेंडिंग का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, काफी फास्ट तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, यानी कि एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप ये चेक कर लेना कि आपके फोन में फालतू एप्लीकेशन कौन कौन सी है। तो एक एक एप्लीकेशन को आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से प्ले स्टोर को ओपन करके आप अपना जो प्रोसेस है, यानी कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ट्रिक है, उसे ट्राई करना। फिर दोस्तों आसानी से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं एंड प्ले स्टोर से इंस्टेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।